तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आ गया हूं बिलासपुर व्यापार विहार के आगे महाराणा प्रताप चौक के पास सदगुरु मोटर्स में आया हूं। दोस्तों देख सकते हैं पूरी यहां पोस्टर वगैरह पीछे में आपको दिख रहे हैं और यहां आपको मैं सेकेंड हैंड गाड़ियों से रिलेटेड पूरा रेंज दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको BMW, मर्सिडीज़ और स्विफ्ट की बहुत सारी मॉडल्स यहां आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप भी अगर वेट कर रहे हैं सेकेंड हैंड गाड़ी का, एक फ्रेश कंडीशन गाड़ी का, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ के ऑनर सर से मिलेंगे, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, उनके जुबानी जानेंगे पूरा डिटेल, फिर उसके बाद एक एक गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अंदर में और सामने हमारे ऑनर सर बैठे हुए हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए सीधा बात करते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। नमस्कार। दर्शकों को बता दीजिए सर कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, पूरा डिटेल में बता दीजिए। और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए सर दर्शकों को छोटा सा। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं सतगुरु मोटर्स से दिनेश भाटिया जी। हमारे काउंटर पे दो सारे दर्शकों को व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है जी, उसके लिए कहीं भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस से लेके, फाइनेंस से लेके, एक्सचेंज से लेके, RTO वर्क से लेके सारी सुविधाएं हम एक ही छत के नीचे सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो सर ने जैसा कि बताया, पूरा आपको हर चीज़ यहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है सर, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन मिल रहे हैं अभी। रेट वगैरह के लिए आप क्या कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। हमारे काउंटर पे कंपटीशन की जो बात आती है जी, तो हम अपने कॉम्पिटिशन से कॉम्पीट करने के लिए पूरे मार्केट में जी, हमारे स्टॉक में आप जाके देखिए, सारी गाड़ियाँ एक्सेलेंट कंडीशन से और सारी गाड़ियाँ शोरूम रिकॉर्ड्स के साथ जी। हम किसी भी कस्टमर को कोई भी फेक गाड़ी नहीं देते, एक्सीडेंटल्स गाड़ी डिलीवर नहीं करते जी। ये हमारे काउंटर की फर्स्ट शर्त रहती है कि हमारे काउंटर पर एक्सीडेंट गाड़ियाँ डिलीवर नहीं की जाएगी जी। जी, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आएगा वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए, शोरूम से हमारी गाड़ियों के रिकॉर्ड निकाल ले, उसके बाद हमसे परचेस करें जी, तब जाके हम मार्केट में उनको फिर गाड़ियां डिलीवर करते हैं। कि जब हमारा कस्टमर बोलता है कि हाँ सर, अब हम आपकी गाड़ी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड जी। सर लोग का जो ऑटो डील है वो तारबहार में था, अभी ये महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर में आ गया है। तो यहाँ का जो कंडीशन है, मतलब कि व्हीकल्स के जो कंडीशन है, बहुत अच्छे टॉप नॉच देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको एकदम कम रेट पे BMW वगैरह देखने को मिल जाएंगे, अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस पे भी अवेलेबल है बहुत सारे व्हीकल्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से और एक एक गाड़ी को रिव्यू करेंगे दोस्तों। और थैंक यू सर हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, रियली रियली थैंक यू सर। थैंक्स आपका भी कि आप हमारे काउंटर पे आए और दर्शकों को हमारे काउंटर के बारे में बता रहे हैं, हमारे लिए भी ये बहुत प्राउड की बात है जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रिव्यू दोस्तों, और पहली जो गाड़ी होने वाली है टाटा की सफारी होने वाली है। और पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में है संजय सर, तो वो पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। और साथ में सर ने लिस्ट बना रखी है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स होने वाले हैं ना कि खुद सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में आ रहे हैं। तो सर बाकी डिटेल आप बता दीजिए गाड़ी का। टाटा सफारी स्टॉर्म जी 2018 मॉडल है जी, और 120,000 चली हुई है गाड़ी जी, और शोरूम सर्विस रिकॉर्ड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्राइस वगैरह बता दीजिए सर। प्राइस 7,50,000 रुपये है जी। और डिस्काउंट वगैरह अप्लाइड है ना? हाँ बिल्कुल डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक बार कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, देख सकते हैं वेल मेंटेन गाड़ी मिलने वाली है आपको, और फ्रंट लुक आपको एकदम क्रोम की फिनिशिंग के साथ देखने को मिल रही है दोस्तों। धीरे से रुक करेंगे इंटीरियर की ओर, और चलिए को ड्राइवर साइड सीट से ओपन करते हैं और देखेंगे। तो भैया ओपन कर दीजिए, डोर ओपन कर दीजिए गाड़ी का, एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं। और बॉडी कलर एकदम ओरिजिनल आपको मिलने वाली है, देख सकते हैं, और टाटा भाई बिल्ड क्वालिटी के नाम से तो फेमस है। दिखा देते हैं एक बार इंटीरियर दोस्तों आपको, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। देख लीजिए वेल मेंटेन गाड़ी मिलने वाली है, इंटीरियर वेल मेंटेन मिलने वाला है, एकदम वेल मेंटेन रखी गई है गाड़ी को, शोरूम कंडीशन में गाड़ी आपको मिल रही है, और वुडन फिनिश के साथ इंटीरियर आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और देख लीजिए दोस्तों 2018 मॉडल ये टाटा सफारी, और बताइए कैसा लग रहा है आपको ये कंडीशन। और देख सकते हैं रियर एसीवेंट्स वगैरह टॉप में दिए रहते हैं, रूफ में दिए रहते हैं, और ये किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी लगती है, ऊपर में वो हॉर्न वगैरह लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह जो पॉलिटिशियंस के गाड़ी में लगे रहते हैं, उस टाइप से इसका इंटीरियर वगैरह सब चीज़ वेल मेंटेन रखा गया है। रियर प्रोफाइल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका, और पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह सब बेसिक बात है दोस्तों, इतना बड़ा गाड़ी है तो वो सब बोलना नहीं पड़ेगा। एक बार रियर प्रोफाइल मैं दिखा देता हूँ और देख लेंगे आप एक बार इसका रियर प्रोफाइल, ताकि आपको समझ में आ जाए।
देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ ये गाड़ी मिलने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें सतगुरु मोटर्स बिलासपुर में, महाराणा प्रताप चौक के पास ही आपको देखने को मिलने वाला है। और सर यहाँ एकदम बहुत सपोर्टिव हैं, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सारे ऑटो डील वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं बिलासपुर में, और यहाँ तो आपको एक एक नंबर कंडीशन में गाड़ी मिलने वाली है। आगे पूरा वीडियो में आप देखेंगे आगे कि किस टाइप से यहाँ स्टॉक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में। और देख लीजिए गाड़ी को, और लेट ना करते हुए चलेंगे अगली गाड़ी की ओर, जो कि होने वाली है डस्टर, रेनॉल्ट डस्टर। और फ्रंट लुक आप देख पा रहे हैं, और बाकी डिटेल्स के लिए मैं एक बार फिर रुक करूंगा सर की ओर। तो सर बता दीजिए बाकी डिटेल्स। डस्टर जो है जी, वो चली हुई है 63,000 मॉडल है जी, शोरूम सर्विस रिकॉर्ड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। और प्राइस क्या है सर इसका? प्राइस है 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए के साथ आपको डस्टर देखने को मिल रहा है, 2018 मॉडल। बाकी डिटेल्स के लिए आप एक बार देख सकते हैं, फ्रंट लुक वगैरह देख सकते हैं। धीरे से मैं रुक करूंगा फिर इंटीरियर की ओर। देख लीजिए दोस्तों, वेल मेंटेन गाड़ी मिलने वाली है, और इसमें आपको चारों एलॉय के ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक के साथ। बाकी डिटेल के लिए यहाँ विजिट कीजिए, बिल्कुल विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन पे नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, कॉल करके यहाँ आप आइए। सर का मैं पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, सर से बात कर लीजिए, बिल्कुल डिस्काउंट वगैरह सब चीज़ हो जाएगा। इंटीरियर की ओर चलेंगे दोस्तों, और ड्राइवर साइड सीट एक बार देख लेते हैं। देख लेते हैं दोस्तों किस टाइप से इसका इंटीरियर रखा गया है। देख लीजिए दोस्तों, इंटीरियर काफ़ी वेल मेंटेन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप खुद जज कर सकते हैं कि किस टाइप से आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। और रेनॉल्ट की ये डस्टर बहुत ही पॉपुलर मॉडल रह चुकी है, बाकी आप तो खुद हर चीज़ जानते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं तो आपको भी बहुत नॉलेज होगा, तब आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग जो लोग कार प्रीफर करते हैं वो सीधा नए की ओर जाते हैं, और आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है ही, इसीलिए आपने यूट्यूब पे ये सर्च किया है। तो इस टाइप से इसका इंटीरियर वगैरह, बैक प्रोफाइल वगैरह देखने को मिल रहा है। और मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा, टॉप नॉच यहाँ गाड़ियाँ आपको देखने को मिलने वाली है, रियर एसी वेंट्स वगैरह सभी चीज़ मिलते हैं। एसयूवी है ये डस्टर, 2018 मॉडल, फ्रेश कंडीशन पे आपको मिल रहा है। और प्राइस वगैरह बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है पर्सनली, और लग रहा है कि ऑटो डील का रिव्यू करते करते मैं खुद सेकेंड हैंड कार के लिए अट्रैक्ट ना हो जाऊं, क्योंकि सर लोग का इतना अच्छा बिहेवियर है कि एजेंसी मेरे को विजिट करना ही नहीं पड़ेगा, मनपसंद गाड़ियाँ मेरे को ऑटो डील में ही मिल जाएंगी। अगली जो गाड़ी होने वाली है, तो थोड़ा सा वॉइस मैं बढ़ा देता हूँ, और ये होने वाली है BMW X1। देख लीजिए दोस्तों इसका फ्रंट लुक वगैरह, कलर वगैरह आप देख सकते हैं, दिल्ली की ये गाड़ी है। बाकी डिटेल्स के लिए एक बार मैं फिर सर से बात करता हूं, और बता दीजिए सर प्राइस वगैरह, डिटेल्स वगैरह। X1 जी 2011 की गाड़ी है जी, फर्स्ट ओनर है जी, और मारुति के रेट में आपको प्रीमियम गाड़ी दे रहे हैं समझिए। प्राइस क्या रखें सर इसका? प्राइस आपको मिल जाएगा ये 6,90,000 रुपये में, 6,90,000 रुपये में आपको BMW देखने को मिल रहा है। 2000 ओरिजिनल चली हुई है गाड़ी, कोई भी वर्क नहीं है, नीट एंड क्लीन गाड़ी, इंटीरियर भी एकदम क्लीन है, शोरूम सर्विस रिकॉर्ड है जी, और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं जी। सीजी नंबर के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, उसका दिक्कत नहीं है कि यहाँ प्लेट में आपको दिल्ली देखने को मिल रहा है, तो उसका दिक्कत नहीं होने वाला है, सर हर चीज़ करा के देंगे आपको। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में मैं क्या जज करूँगा, मेरे को तो 2 महीने अभी यूट्यूब चलाते हुआ है, 2 महीने चैनल को हुआ है, तो BMW जैसी कंपनी को मैं जज नहीं करूँगा बिल्ड क्वालिटी के नाम पर। सेम रेट में आपको बगल में स्विफ्ट भी देखने को मिलने वाली है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। BMW आप देख सकते हैं X1, सेकेंड हैंड भी लेते हैं फिर भी रोल रोल होता है भाई, और लोग तो आजकल 6S आईफोन वगैरह को यूज़ करते हैं रोल के लिए, तो आप तो कार ले ही सकते हैं। चलिए इंटीरियर की ओर रुक करेंगे और देखेंगे इंटीरियर कैसा दिखने वाला है, और चलिए चलते हैं इंटीरियर की ओर, को ड्राइवर साइड सीट से देखेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा अच्छा स्पेस लग रहा है मेरे को। देख लीजिए एक बार इसका इंटीरियर दोस्तों, और बताइए आपको कैसा लग रहा है ये गाड़ी BMW X1। वेल मेंटेन इंटीरियर मिलने वाला है, और प्राइस बहुत अच्छा रखा गया है, और जैसे कि सर ने बताया प्राइस वगैरह सब चीज़, और देख लीजिए आप खुद जज कर सकते हैं, जिस प्राइस पे आपको स्विफ्ट मिलती है उसी प्राइस में सेकेंड हैंड BMW 30-35 लाख की गाड़ी अगर आपको सही प्राइस में मिल रही है, हालांकि सेकेंड हैंड है, बाकी आप वो प्रीमियमनेस का मज़ा ले सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों फ्रंट, ये आपको मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, एसी वेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन रखा गया है, और वीडियो क्वालिटी कैसा है ये सब चीज़ आप बता सकते हैं, मोबाइल से शूट करता हूँ। चलिए बैक प्रोफाइल एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, और सब चीज़ रिमोट कंट्रोल मिलने वाले हैं इसमें आपको, की वगैरह सब चीज़, क्योंकि भाई BMW है ये। देख लीजिए बैक प्रोफाइल इसका, और बताइए कैसा लग रहा है आपको गाड़ी।
थोड़ी सी मेंटेनेंस लगती है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम गाड़ी चढ़ते हैं तो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करूँगा, और ऐसा नहीं है कि आप स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती BMW के लिए जाएं, ऐसा भी नहीं बोलूँगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो बजट के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए। और चलिए अगली गाड़ी की ओर चलेंगे, BMW एक नंबर कंडीशन पे आपको देखने को मिली है, और इसी तरीके से अभी पूरा स्टॉक आपको दिखाने वाला हूँ, दिल थाम के बैठिएगा। यहाँ आपको हाई प्राइस से लो प्राइस में सभी रेंज का आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ। तो बहुत हो गया BMW का तारीफ, क्योंकि हर कोई उसको पसंद नहीं करता है। लोग भाई जिस गाड़ी को चाहते हैं ना, दिल से चाहते हैं, वो गाड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, मारुति की स्विफ्ट मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी। और बाकी पूरा डिटेल के लिए एक बार फिर से सर के पास चलते हैं, बार बार सर के पास तो जाना ही है, उन्हीं का तो शॉप है भाई। बता दीजिए सर, VXI 2018 मॉडल जी, ये चली है 60,000 जी, 5.5 लाख रुपए इसका रेट है जी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, ये भी शोरूम सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन है गाड़ी जी जी, किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं है जी, न्यू मॉडल शेप गाड़ी है जी। तो देख लीजिए दोस्तों, फ्रंट लुक आप देख लीजिए एक बार, 2018 मॉडल ये आपको स्विफ्ट देखने को मिल रही है, CG10 बिलासपुर की गाड़ी है, और फॉग लैंप वगैरह सभी देखने को मिल रहे हैं। और इंटीरियर की ओर रुख करेंगे दोस्तों, और फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहते हैं गाड़ी तो शोरूम विजिट कीजिए, यहाँ आप आइए महाराणा प्रताप चौक के पास, आपको सतगुरु मोटर्स करके मेन रोड में आपको देखने को मिल जाएगा। और देख लीजिए एक बार, इंटीरियर की ओर चलते हैं, और ड्राइवर साइड सीट मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है इसका इंटीरियर, कमेंट कीजिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, डेली वीडियोस ला रहा हूँ, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, देख लीजिए। बाकी एकदम फीचर वगैरह तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आप जान रहे हैं, खाली आपको एक सही से जरिया चाहिए, और ये मैनुअल में है, स्विफ्ट 2018 VXI मॉडल। बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है आपको इसका क्या बोलते हैं इंटीरियर, और बैक प्रोफाइल एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका भी, ताकि आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा लग जाए। देख लीजिए दोस्तों, मेरा मानिए आपको सेकेंड हैंड गाड़ी अच्छे कंडीशन पे यहाँ मिल जाएगा, तो बिल्कुल विजिट कीजिए, और देख लीजिए कंडीशन, बताइएगा कैसा लग रहा है कलेक्शन। और अगली गाड़ी की ओर चलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, और आप लोग बोर भी हो जाते होंगे कि इतना लंबा वीडियो भाई बनाते हो करके। बाकी मैं कलेक्शन पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए अगली गाड़ी की ओर चलेंगे, और ये भी आपको स्विफ्ट देखने को मिलने वाली है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये नई गाड़ी नहीं है, ये ओल्ड है, ओनली ऑन 7 मंथ ओल्ड स्विफ्ट, मात्र 7 महीने पुराने आपको यहाँ स्विफ्ट देखने को मिल रहे हैं। चारों एलाविल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक के साथ, और बाकी डिटेल के लिए मैं एक बार फिर सर के पास चलता हूँ, और पूछ लेंगे क्या क्या इसके डिटेल वगैरह जो भी हैं। तो बता दीजिए सर इसके बारे में। स्विफ्ट VXI है जी, 2021 दिसंबर की गाड़ी है जी, 7-8 मंथ हुआ है, 8,000 चली हुई है जी, शोरूम रिकॉर्ड गाड़ी जी, और फर्स्ट सर्विसिंग हुई है, सेकंड अभी हुई भी नहीं है, फोर सर्विस फ्री रहती है गाड़ी, देख लीजिए स्टेपनी अनयूज्ड है जी, है ना, गाड़ी बिल्कुल शोरूम कंडीशन टॉप नॉच कंडीशन पे है, हाँ बिल्कुल, इसकी फर्स्ट सर्विस भी है, सेकंड अभी सर्विस पे भी नहीं गई है गाड़ी जी, जी। प्राइस क्या रखे सर इसका? प्राइस का 6,50,000 के साथ आपको शोरूम कंडीशन की गाड़ी, सिर्फ बोलने भर का ये ओल्ड है दोस्तों, क्योंकि 7-8 मंथ पुराना कोई गाड़ी अगर चार पहिया है तो वो पुराना नहीं होता है दोस्तों। अगर आप गाड़ी भी लेते हैं ना, तो घर में खड़ी खड़ी 7-8 महीने हो जाती है, गाड़ी चलती भी नहीं है। देख लीजिए वेल मेंटेन गाड़ी आपको मिलने वाली है, और फॉग लैंप वगैरह सभी आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका फ्रंट ग्रिल क्रोम की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलने वाला है। इंटीरियर की ओर रुख करेंगे जल्दी से, और चलिए ड्राइवर साइड से कवर करते हैं, क्योंकि ड्राइवर साइड पे पूरे फीचर्स वगैरह रहते हैं। देख लेते हैं कैसा आपको गाड़ी मिलने वाला है, पूरा वेल मेंटेन गाड़ी मिल रहा है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम के साथ इसके की वगैरह आते हैं, और देख लीजिए, और 7-8 महीने पुरानी गाड़ी आपको मिल रही है यहाँ, और टच डिस्प्ले वगैरह दिया गया है सेंटर पे, आप देख सकते हैं। बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये गाड़ी, और जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर देखने को मिल जाएंगे। और मेरा मानिए 7-8 महीने पुराना जो गाड़ी है वो गाड़ी ओल्ड नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अगर आप नई गाड़ी भी खरीदते हैं तो वो भी 7-8 महीने घर में रखी रहती है। देख लीजिए बैक प्रोफाइल काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन मिलने वाला है, और बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ का कलेक्शन, और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैक प्रोफाइल एक बार दिखा दूंगा, और बूट स्पेस वगैरह स्टेपनी वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है,
कोई भी आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि एकदम बना के दे देंगे, हर चीज़ आपको सही से मेंटेन करके दिया जाएगा। देख लीजिए स्टेपनी वगैरह मैं दिखा भी देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा स्टेपनी, देख लीजिए एकदम फ्रेश कंडीशन पे स्टेपनी मिल रहा है। तो जैसा सर ने बताया, संजय सर जैसा बता रहे हैं वैसा ही हर चीज़ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वीडियो शूट हो रहा है तो कुछ भी बोल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सही लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर ख़राब लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अगली गाड़ी की ओर बढ़ेंगे। आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और व्यूज़ आएंगे तभी तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, थोड़ा आगे जाएंगे। चलिए अगली गाड़ी कौन सी होने वाली है सर? मारुति सुजुकी की रिट्स है 2012 जी, PTI डीजल जी, और प्राइस वगैरह बता दीजिए सर। 20,000 रुपये मात्र जी, मात्र 2,20,000 रुपये में आपको 2012 मॉडल रिट्स देखने को मिलने वाली है। और इसका इंटीरियर जो है एकदम स्विफ्ट के लेवल का रहता है, हालांकि गाड़ी बंद हो चुकी है ऑफिशियली रूप से, बाकी सेकेंड हैंड मार्केट पे इसका बहुत ही राज है अभी कायम। देख लीजिए फ्रंट लुक वगैरह और इंटीरियर दिखा दूंगा मैं आपको आगे। तो अनलॉक है ना सर गाड़ी? हाँ, तो एक बार मैं इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ और बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ का कलेक्शन। एकदम शोरूम कंडीशन की गाड़ियाँ यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी एकदम कम रेट पर। तो चलिए इंटीरियर की ओर नज़र डालेंगे, और मैंने ओपन कर लिया है और देख लीजिए इसका इंटीरियर दोस्तों, काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन मिलने वाला है। कमेंट कीजिएगा 2,00,000 रुपए के हिसाब से ये गाड़ी कैसी लग रही है आपको, और बाकी जो भी सपोर्ट है RTO संबंधी या फाइनेंस संबंधी वो सब चीज़ सर करा के देंगे आपको। संजय सर का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बहुत ही सपोर्टिव है सर। देख लीजिए सीट्स वगैरह पहले के मॉडल में बहुत अच्छे मिलते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे हेड रेस्ट के साथ आते थे हर चीज़, और काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन इंटीरियर मिलता था पहले। और अभी तो थोड़ी सी सस्ती करने के चक्कर में बिल्ड क्वालिटी वगैरह सभी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बीच में ये क्लिप इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमने शूट कर ही रहा था और सर आ गए और सर को ये गाड़ी पसंद आ गई और तुरंत डील फाइनल हो गया। तो एक बार उनका फीडबैक ले लेते हैं यहाँ के बारे में, ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड रहते हैं यहाँ से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए सर सद्गुरु मोटर्स के बारे में कि आपको यहाँ किस टाइप से गाड़ी देखने को मिला है और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑटो डील हैं जी, जो कि बिलासपुर में बहुत सारे हैं, जो कि सद्गुरु ऑटोमोबाइल है, जो यहाँ मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत नई गाड़ी मिली 7 महीने पुरानी गाड़ी जी। शूट चालू ही किए थे, बीच में सर आए और तुरंत डील फाइनल हो गया और फाइनल रिबन वगैरह लग गया है और ये डिलीवरी अभी तुरंत होने वाली है। अगली गाड़ी की ओर नज़र डालेंगे और ये होने वाली है मारुति की फिर से वेगन आर। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं फिर से एक बार सर की ओर चलता हूँ, और बता दीजिए सर प्राइस वगैरह डिटेल्स वगैरह बता दीजिए। मारुति वैगन आर VXi जी, 2009 मॉडल जी, और समझ जाओ नई बाइक के रेट में कार है जी। प्राइस क्या है सर इसका? 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये के साथ आपको यहाँ 4-व्हीलर मिल रहा है भाई, देख लीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इंटीरियर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहीं से, क्योंकि एकदम सट कर लगा हुआ है, तो मैं फ्रंट से आपको यहीं से दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैमरा जूम करके, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए, क्योंकि अगल बगल में दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई है क्रेटा और रीड्स, इसीलिए नहीं दिखाते बन रहा है। इंटीरियर देख लीजिए फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, और बताइएगा कैसा लग रहा है आपको इसका इंटीरियर, और 1,00,000 रुपये में आपको क्या चाहिए दोस्तों। 1,25,000 रुपये के साथ आपको ये गाड़ी मिल रही है। तो चलिए अगली गाड़ी की ओर चलेंगे, और ये होने वाली है Hyundai की मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी क्रेटा, और बाकी डिटेल्स के लिए मैं सर से बात करूंगा। तो बता दीजिए सर प्राइस। क्रेटा E+ 2019 मॉडल जी, 95,000 चली है जी, 9,30,000 रुपए आस्किंग है इसका, बाकी जो भी है हो जाएगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, ये भी शोरूम में सर्विस रिकॉर्ड है, अभी लेटेस्ट सर्विस होके आई है शोरूम से, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है जी, न्यू मॉडल में है 2019 में। बिल्कुल सर बिल्कुल, और वेल मेंटेन गाड़ी है, वेल मेंटेन आपको गाड़ी मिल रही है 2019 मॉडल। बाकी डिटेल्स के लिए मैं सर का नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, फ़ोन करके आप पर्सनली इंक्वायरी कर सकते हैं, और जितना डिटेल मैं बता रहा हूँ दोस्तों जितना पॉसिबल हो रहा है उतना। और देख लीजिए लुक वगैरह काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन फ्रंट से आपको देखने को मिल रहे हैं, फॉग लैंप वगैरह सभी देखने को मिलता है फ्रंट में, इसके ग्रिल्स वगैरह में क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। इंटीरियर वगैरह मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का अगर पॉसिबल हो। सकरी गली में मेरा भाई जा रहा है,
पतली गली से निकल जा मेरे भाई जल्दी से और इंटीरियर की ओर। ये वेल मेंटेन इंटीरियर मिलने वाला है, डुअल टोन इंटीरियर आपको क्रीम की फिनिशिंग के साथ और पॉलिश वगैरह सभी चीज़ वेल मेंटेन कराए गए हैं भैया लोग के तरफ से। यार प्रोफाइल एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद अगली जो गाड़ी होने वाली है वो भी क्रेटा ही होने वाली है, देख लीजिए बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। प्राइस वगैरह बिल्कुल कम हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है दोस्तों, बस एक बार आप विजिट कीजिए। चलिए अगली गाड़ी की ओर चलेंगे जो कि है वो भी क्रेटा होने वाली है ह्यूंडई की तरफ से। और बाकी डिटेल्स के लिए एक बार मैं फिर से सर की ओर रुख करता हूँ, तो बता दीजिए सर प्राइस वगैरह डिटेल्स वगैरह पूरा बता दीजिए क्रेटा का। क्रेटा एस प्लस मॉडल है जी और 95,000 चली हुई है जी, और ये भी वेल मेंटेन गाड़ी है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है जी। 7,90,000 रुपये में, 7,90,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। फ्रंट में दिखा देता हूँ आपको और इंटीरियर की ओर एक बार चलेंगे, बाकी फ्रंट लुक आप देख लीजिए। और इसका एक ख़ास बात और है दोस्तों, इसमें सिर्फ सीट कवर 16,000 का एक्स्ट्रा इसमें सीट कवर लगा हुआ है और उसका पूरा आपको दिखाऊंगा व्यू। और चलते हैं फिर से पतली गली में और साइड से दिखाता हूँ मैं आपको इसका व्यू ताकि आपको पता चल जाए। इंटीरियर वगैरह मैं पूरा दिखा देता हूँ, बहुत ही मुश्किल से मैं इंटीरियर की ओर शूट कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाना है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल जायज है, थोड़ा सा दिक्कत झेलता हूँ। देख लीजिए काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन इसका इंटीरियर वगैरह देखने को मिलने वाला है। तो देखिए मैं एकदम सकरी गली में घुसा हुआ हूँ और आपके लिए दिखा रहा हूँ ये वीडियो। मेहनत अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर पसंद नहीं आता होगा कॉन्टेंट तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कभी मत कीजिएगा। और देख लीजिए इंटीरियर वगैरह वेल मेंटेन आपको मिलने वाले हैं और देख सकते हैं कितनी पतली गली में मैं घुसा हूँ। और भाई ऐसा लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड बना रहे हैं हम लोग, रिव्यू नहीं कर रहे हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है जैसा भी है। चलिए अगली गाड़ी की ओर चलेंगे जो कि है महिंद्रा की बोरेलो और ये भी टॉप नॉच कंडीशन पे आपको देखने को मिलने वाला है। टायर्स वगैरह पर्सनली बता दूँ दोस्तों, एकदम न्यू कंडीशन का टायर इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और बाकी डिटेल्स के लिए एक बार फिर से सर की ओर रुख करेंगे और बता दीजिए सर बाकी। 2017 की बुलेरो SLE है जी, 56,000 चली है जी, गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ी है, चारों टायर ब्रांड न्यू लगी हुई है, 56,000 ओरिजिनल गाड़ी चली हुई है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है गाड़ी में, गाड़ी वेल मेंटेन है जी और गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ी है तो इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर लोग का अलग ही लेवल रहता है, वो लोग हर चीज़ को एकदम मेंटेन करके चलते हैं। प्राइस के बारे में मैं पूछ लेता हूँ सर से, प्राइस बता दीजिए सर। 6,00,000 रुपए इसमें आस्किंग है गाड़ी पे, बाकी जो भी है वो 6,00,000 रुपए बोलने का है, बाकी डिस्काउंट बिल्कुल इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आप विजिट कीजिए ना, बाकी डिस्काउंट वगैरह के लिए भैया बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल डिस्काउंट होगा। देख लीजिए फ्रंट लुक वगैरह काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। इंटीरियर की ओर मैं, बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों इंटीरियर दिखाना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका इंटीरियर छोड़ ही दूँ, थक जा रहा हूँ मैं एकदम पतली गली में घुस घुस के। यही मैं फ्रंट साइड से आपको दिखा देता हूँ मिरर साइड से कि किस टाइप से इसका इंटीरियर वगैरह देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं पास जाके आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। प्लीज़ दोस्तों हर गाड़ी को एकदम खोल खोल के नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझ सकते हैं, एकदम सकरी गली है। और बताइएगा कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है। और इस तरीके से मैंने बहुत सारे गाड़ी कवर कर दिए हैं, एक बार थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ कितने सारे कलेक्शन मैंने कवर कर दिए हैं और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने बुलेरो वगैरह का सभी का कवर कर लिया है और क्या है दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसीलिए मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। कलेक्शन तो बहुत अच्छे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक घंटे का वीडियो बना दूँ बट पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हमारा ये रिव्यू कंप्लीट होता है दोस्तों, मिलेंगे एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपने भाई के चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।